हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रतीक चिवालिक सर की जो केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज है उसके सेट बी का पार्ट साइंस का हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके केवीएस पीआरटी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा लर्नर्स लिन पर इंग्लिश वोकैब, कंप्यूटर, जनरल साइंस की भी सीरीज चल रही है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट सीरीज हैं। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखें, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ नॉन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट ऑप्शन वन यीस्ट लैक्टोबैसिलस राइजोबियम बैसिलस एंथ्रासिस, ऑप्शन टू यीस्ट मलेरिया पैरासाइट लैक्टोबैसिलस राइजोबियम, ऑप्शन थ्री यीस्ट लैक्टोबैसिलस ब्रेड मोल्ड राइजोबियम एंड ऑप्शन फोर यीस्ट लैक्टोबैसिलस राइजोबियम नाइट्रोसोमनस। तो हम यहाँ पे इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि कौन से हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कौन से हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं ये हमारी प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से कुछ होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए फायदेमंद होते हैं, इन्हें हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं, इन्हें हम नॉन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं वो आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सामान्य आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। जो यीस्ट होता है इसका यूज बेकिंग में किया जाता है। यह शुगर को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसके कारण हमारा जो डो होता है वो हमें फूला हुआ दिखता है। इसके अलावा यीस्ट का यूज कार्बोनेशन में एल्कोहल, लेवन ब्रांड और न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस, इसका यूज डाइहेरिया की ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन फूड में, मतलब जो फूड में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उसे सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करता है और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। नेक्स्ट है जो राइजोबियम होता है, ये मिट्टी में पाया जाता है और ये जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है जहाँ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इस प्रोसेस में राइजोबियम और प्लांट्स के बीच में जो संबंध होता है उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशंस या फिर सहजीवन संबंध कहते हैं। इसमें दोनों ही एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम को फूड और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोसोमोनस, मेटाबॉलिक प्रोसेस में यह अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके उसे नाइट्राइट में बदलता है, इसे हम नाइट्रेशन भी कहते हैं और इसका यूज बायो रिमेडिएशन में भी होता है। तो जो यीस्ट है लैक्टोबैसिलस है, राइजोबियम है, नाइट्रोसोमोनस है, ये तो हमारे हुए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है जो बैसिलस एंथ्रासिस होता है, ये ह्यूमंस में और जानवरों में बीमारी का कारण होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, क्यूटेनियस एंथ्रासिस और इनहेलेशन एंथ्रासिस। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है जो कि संक्रमित मच्छर के काटने के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रेड मोल्ड, ये जो होता है जो सड़ने वाली रोटी या वनस्पति पदार्थ होते हैं उन पर काले रंग का सेप्रोटिक डाइगोमाइसिक या राइजोपस नाइग्रिकंस होता है, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे एक्सेप्ट पूछा गया है नॉन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा। तो जो ऑप्शन फोर है उसमें यीस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम और नाइट्रोसोम्स, ये सभी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो जो क्वेश्चन में हमसे एक्सेप्ट पूछा है इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रेयन, ऑप्शन वन वुल, ऑप्शन टू पीईटी, ऑप्शन थ्री वुड पल्प एंड ऑप्शन फोर सिल्क। तो हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से एक कौन सा स्रोत है जिससे रेयन बनता है। तो जो फाइबर्स होते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वे होते हैं जो हमें प्रकृति से नेचुरली मिलते हैं, डायरेक्टली प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट से हमें कॉटन, फ्लक्स,
हेम्प, बेम्बू और जूट मिलता है, और एनिमल से हमें वुल, सिल्क, एंगोरा और मोहरा मिलता है। नेक्स्ट, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये ह्यूमंस के द्वारा लैब में या केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। इन्हें हम सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जिस प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसमें बहुत से मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होकर एक लंबी चेन या पॉलीमर बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलीएस्टर, जो कि बनाया जाता है कोल और पेट्रोलियम से। रेयॉन है, ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जो कि वुड पल्प से बनाया जाता है। एक्रिलिक फाइबर्स है जो कि एक्रिलोनाइट्राइल और वाइनिल साइनाइड से बनाया जाता है। माइक्रो फाइबर्स आर जनरली मेड ऑफ पॉलीएस्टर, और जो नाइलॉन है वो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है जो कि कोल, वाटर और एयर से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमसे रेयॉन के लिए पूछा है, और रेयॉन बनता है वुड पल्प से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। बी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सी, आर्टिकल्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। डी, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। एंड ई, ए लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस ए मोर रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन 1 ए एंड सी, ऑप्शन 2 बी डी एंड ई, ऑप्शन 3 सी डी एंड ई, एंड ऑप्शन 4 डी एंड ई। तो हमें यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जिसमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पहले हम कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। सबसे पहले है लस्टर। जो मेटल्स होते हैं उनको यदि कट किया जाए, स्क्रैच किया जाए या पॉलिश किया जाए तो हमें उनकी चमकदार सतह देखने को मिलती है। मेटल का यह गुण क्या कहलाता है? लस्टर। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है या किसी शेप में डाला जा सकता है। इस गुण को हम बोलते हैं कि मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली मेलिएबल होते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। मेटल्स होते हैं वो नेचर में डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब है कि उनसे वायर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में डक्टाइल होते हैं, उनसे उनका यूज हम इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट है सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं उनसे साउंड निकलती है जो हमें सुनने में भी अच्छी लगती है। जब किसी मेटल को हिट किया जाता है तो उससे साउंड आती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर अवेलेबल एट सॉलिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर। कि जो रूम टेम्परेचर पर मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सिवाय मर्क्यूरी के। मर्क्यूरी एक मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि नेचर में बेसिक होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ऑप्शंस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है कि धातुओं का वह गुण जिनके कारण उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। तो ये एक ऑप्शन सही है, क्योंकि जो डक्टिलिटी है उसका मतलब यही होता है कि जो मेटल्स है उन्हें हम वायर में चेंज कर सकते हैं। तो ए सही है। नेक्स्ट है धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं परंतु ऊष्मा के निम्न चालक होते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ही अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट है जो धातु की बनी वस्तुओं को जब जोर से धोखा जाता है तो वे ध्वनि उत्पन्न करती है। तो हमने पढ़ा है कि जो सोनोरस होता है वो मेटल्स का गुण है कि जब इन्हें हिट किया जाता है तो इससे साउंड आती है। तो सी भी सही है, अभी तक ए सही है, सी सही है। नेक्स्ट है ए धातु और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रकृति में बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है एक कम अभिक्रियाशील धातु एक अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो ये स्टेटमेंट में उल्टा लिखा हुआ है, मतलब एक कम अभिक्रियाशील धातु नहीं उसे विस्थापित कर सकती, लेकिन एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। तो ए सही है और सी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए एंड सी। दोस्तों, यदि इस प्रश्न में हमें केवल ये पता होता कि जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती तो भी हम इसका आंसर लगा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन 2 और 3 और 4 में ई दिया गया है। तो ई तो गलत है, तो इसका मतलब ना इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4th होगा। तो बचा हमारे पास क्या? ऑप्शन 1।
नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? ऑप्शन वन कैरोसिन, ऑप्शन टू बायोगैस, ऑप्शन थ्री एलपीजी, ऑप्शन फोर पेट्रोल। तो हमें सबसे पहले ये पता हो कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू इज द टोटल एनर्जी रिलीज एज हीट वेन ए सब्सटेंस अंडरगोज कम्प्लीट कम्बशन विद ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब जब किसी सब्सटेंस को स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंतर्गत ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूर्णतः जलाया जाता है तो जो भी एनर्जी या हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस के लिए कैलोरीफिक वैल्यू का ऑर्डर दिया गया है। तो हमारे हमसे पूछा है कैरोसिन, बायोगैस, एलपीजी और पेट्रोल में किसका सबसे ज्यादा होगा। तो इस ऑर्डर के अनुसार एलपीजी है उसका सबसे ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल इज। हमें पशु कोशिका के संदर्भ में जो सही संयोजन है उसे पहचानना है। ऑप्शन वन है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। ऑप्शन टू है सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्रोमोसोम। ऑप्शन थ्री है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्रोमोसोम। एंड ऑप्शन फोर है सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे आपको इमेज में प्लांट सेल का और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो जो इसमें क्लोरोप्लास्ट है और सेल वॉल है ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं होती। और जो सेंट्रियोल्स है ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं होता। तो जो हमारे पास ऑप्शन वन और टू है उसमें सेल वॉल है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन फोर्थ है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये भी प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है थर्ड, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और क्रोमोसोम। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल्स। ऑप्शन वन, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस। ऑप्शन टू, सेल्स ऑफ एन ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ऑप्शन थ्री, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। एंड ऑप्शन फोर, शेप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल इज राउंड। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कोशिका के लिए सही है। तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जो सेल्स होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी संरचनात्मक कार्यात्मक जैविक इकाई होती है। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जो सेल की स्टडी होती है उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल्स के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो शेल की शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कुछ सेल्स होती हैं जो स्फेरिकल होती है, कुछ इलांगेटेड होती हैं, कुछ स्पिंडल शेप की होती हैं, कुछ ब्रांच्ड होती हैं, कुछ राउंड शेप की होती हैं। जो इनकी डिफरेंट शेप होती हैं वो इनके स्पेसिफिक कार्य से संबंधित होती हैं। तो इसका मतलब कि एक अंग की कोशिकाओं की संरचना समान होती है ये भी गलत हो गया, और जो सभी प्रकार की कोशिकाएं हैं उनकी आकृति गोल होती है ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन आप किसी एक स्पेशल टिश्यूज, किसी एक ही उत्तक के सेल्स को देखेंगे तो उनकी स्ट्रक्चर समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है, नेम द फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई ओवरीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ऑप्शन वन एस्ट्रोजन, ऑप्शन टू एड्रेनलिन, ऑप्शन थ्री थायरोक्सिन, ऑप्शन फोर टेस्टोस्टेरोन। हमें उस मादा हार्मोन का नाम बताना है जो अंडाशयों से उत्पन्न होता है और स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता करता है। हम यह चारों ही हार्मोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, जैसे एपेटाइट, भूख लगना, स्लीप, सोना, ग्रोथ, यानी हमारे विकास में सहायता करता है। मेमोरी ग्लैंड जो स्तन ग्रंथि होती है वो मनुष्यों में और अन्य स्तनधारी जीवों में एक्सोक्राइन ग्रंथि है जो कि संतान को खिलाने के लिए दूध का उत्पादन करती है। स्तन के विकास में जो महत्वपूर्ण है वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। ये स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल में सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट है, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमें पसीना आने लगता है, हम उस परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। ये जो रेस्पॉन्स होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन के होने से होता है।
नेक्स्ट है, यदि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन रिलीज करती है तो ये गॉइटर जो एक बीमारी होती है इसका कारण बनता है, जिसमें हमारे गर्दन में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है, इन ए लार्ज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देर आर फोर वेज टू रीच द मेन रोड। वन ऑफ द पाथ हैज लूज सोइल, द सेकेंड इज लेड विद पॉलिश्ड मार्बल, द थर्ड इज लेड विद ब्रिक्स एंड द फोर्थ हैज ग्रेवल सरफेस। इट इज रेनिंग हैविली एंड पहेली विशेस टू रीच द मेन रोड, द पाथ ऑन विच शी इज लीस्ट लाइकली टू स्लिप इज। तो इस प्रश्न में ये कह रहा है कि एक बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के चार रास्ते हैं। पहले रास्ते पर ढीली मिट्टी है, दूसरे पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, तीसरे रास्ते में ईंटें लगी हुई है और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी हुई है। बहुत तेज बारिश हो रही है और पहली मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहती है, तो वो कौन सा रास्ता होगा जहां पर फिसलने की संभावना कम होगी? ऑप्शन वन ढीली मिट्टी, ऑप्शन टू पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है जहाँ, ऑप्शन थ्री जहाँ ईंटें बिछी हुई है, या ऑप्शन फोर जहाँ बजरी बिछी हुई है। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो फ्रिक्शन या घर्षण होता है वो दो सरफेस के बीच में लगता है और यह हमेशा जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके विपरीत दिशा में लगता है। फ्रिक्शन हमेशा जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड को स्लो करता है। जो फ्रिक्शन की मात्रा होती है वो सरफेस के मटेरियल पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा और उतने ही फिसलने के चांसेस कम होंगे। तो जो ढीली मिट्टी है या पॉलिश किया हुआ संगमरमर है या जहां पर ईंटें बिछी है, इनमें जो फ्रिक्शन होगा वो जहां पे बजरी बिछी है उनके कंपैरिजन में कम होगा। तो जहां पे बजरी बिछी है वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो वहां पे फिसलने के चांसेस भी कम होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ऑप्शन वन इट्स एम्पलीट्यूड, ऑप्शन टू इट्स फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन थ्री इट्स टाइम पीरियड एंड ऑप्शन फोर इट्स स्पीड। जो ध्वनि की प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, आवृत्ति पर, आवर्तकाल पर या इसकी चाल पर? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो साउंड होता है उसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि साउंड जब मीडियम के पार्टिकल से टकराता है तो वह उनमें कंपन उत्पन्न कर देता है और इसी के थ्रू साउंड आगे बढ़ता है। ये कंपन जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में पहचानता है। जो साउंड की स्पीड है वो माध्यम की डेंसिटी पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतनी ज्यादा साउंड की स्पीड होगी। जैसे जो सॉलिड मीडियम होता है वो लिक्विड और गैस की तुलना में अधिक डेंस होता है, इसलिए जो सॉलिड है उसमें जो साउंड की स्पीड है वो लिक्विड और गैस की तुलना में अधिक होगी। तो साउंड के लिए जो एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, उसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये आपके पास कोई एक वेव्स है जो इस तरीके से जा रही है, तो जो इस वाले पॉइंट से लेकर, ये इसका मेन पॉइंट है यदि किसी पार्टिकल्स का, तो इस पॉइंट से लेकर जो यहाँ तक की दूरी होती है इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो साउंड की लाउडनेस है वो इसी पर डिपेंड करती है। इसकी जो दूरी है वो जितनी ज्यादा होगी साउंड की लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा जो एक वाइब्रेशन होता है पूरा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है ये पूरा एक वाइब्रेशन है जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक सेकेंड में उस निश्चित पॉइंट से कितने वेव्स गुजरे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा और टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो अभी हम देखते हैं जो नेक्स्ट है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस और वॉल्यूम। क्योंकि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ध्वनि की प्रबलता है वो निर्भर कर रही है इसके आयाम पर। और अभी हमने देखा जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम हर्ट्ज में मापते हैं और यह एक सेकंड में एक निश्चित पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स गुजरे हैं उसे दर्शाती है। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक निश्चित पॉइंट से एक सेकंड में वेव्स जो गुजर रहे हैं उनकी संख्या कम है, जबकि यहाँ पर जो वेव्स हैं उनके नंबर ज्यादा है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड होगा और ये लो फ्रिक्वेंसी वाला साउंड होगा। तो इस डायग्राम से आप ये भी समझ सकते हैं कि आप यदि टाइम पीरियड यदि इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक है तो इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी कम है और इसी निश्चित टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितना ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो फ्रिक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पे जो ये 5 स्टेटमेंट्स दी गई है, इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। ए, अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बी, द प्लेट्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। सी, ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कोज्ड बाई द इरप्शन ऑफ ए वॉल्केनो। डी, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन नॉट अकर बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। ई, बाथिंग आउटडोर शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ऑप्शन 1 है ए एंड बी, ऑप्शन 2 है ए बी सी एंड ई, ऑप्शन 3 है ओनली डी एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जो हमारी अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। यह एक सिंगल पीस में ना होकर कुछ खंडों में होती है जिन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट्स हमेशा गति में रहती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से ब्रश करती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं तो यह हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने का कारण बनती हैं। जो भूकंप होता है दुनिया में कहीं ना कहीं आता है, लेकिन ये इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम होती है कि इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो जो भूकंप पृथ्वी पर हर समय कहीं ना कहीं आते रहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की प्लेटें निरंतर गति करती रहती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, जो ट्रिमर्स होता है ये हमारी अर्थ सरफेस पर जो भूमिगत चट्टाने होती है उनमें स्ट्रेस के कारण जो हलचल उत्पन्न होती है उससे उत्पन्न होता है। ये बहुत कम समय के लिए होता है। इसका कारण भी वही होता है जो कि भूकंप आने का कारण होता है। तो जो पृथ्वी पर भूस्पंद है वो ज्वालामुखी के फटने के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ज्वालामुखी फटने के कारण भी हलचल उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया बादलों तथा पृथ्वी के बीच नहीं हो सकती। तो ये गलत है क्योंकि जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया है, लाइटनिंग प्रोसेस है, वो बादलों में और पृथ्वी की सतह पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण ही उत्पन्न होता है। ये बहुत कम समय के लिए होता है जिसमें हमें तेज प्रकाश दिखता है और गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया बादलों और पृथ्वी के बीच में ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है उसके कारण होती है। और ऐसे में हमें जो खुले में स्नान है उससे करने से बचना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो यहाँ पे केवल जो डी दिया गया स्टेटमेंट वो गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल डी। नेक्स्ट है, इफ यू सो फुल मून ऑन ए पर्टिकुलर डे आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू बी एबल टू सी द फुल मून अगेन। ऑप्शन 1, अप्रोक्सीमेटली 27 डेज। ऑप्शन 2, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज। ऑप्शन 3, अप्रोक्सीमेटली 29 डेज एंड ऑप्शन 4, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज। कि यदि आपने किसी विशेष दिन पर पूर्ण चंद्र देखा है तो कितने दिनों के पश्चात आप फिर से पूर्ण चंद्र देख पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, लगभग 29 दिन के बाद। जो चंद्रमा होता है उसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण आकाशीय क्षेत्र में समान बिंदु पर पहुंचने के लिए लगभग 29.5 डेज का समय लगता है। इसे हम सिनोडिक मंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। फर्स्ट 2 मोल्स ऑफ H2O, सेकेंड 20 मोल्स ऑफ वाटर, थर्ड 6.022 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फोर्थ 1.2044 × 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऑप्शन 1 है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन 2 है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन 3 है सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑप्शन 4 है सेकेंड एंड फोर्थ। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम जान लेते हैं कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब के मास का जो सम होता है वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल्स। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा हाइड्रोजन के 2 एटम के मास के और ऑक्सीजन के 1 एटम के मास के योग के बराबर। हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 और ऑक्सीजन के लिए इसका मान होता है 16। तो टोटल वाटर के लिए मास हो गया 16 + 2 यानी 18 ग्राम पर मोल। तो अभी हमसे यहाँ पे 360 ग्राम के लिए पूछा है तो हम उसे कैसे कल निकालेंगे। जैसे 18 ग्राम वाटर बराबर है 1 मोल के, तो 1 ग्राम वाटर कितने के बराबर होगा, 1/18 मोल।
और 360 ग्राम के लिए हमसे पूछा है तो ये होगा 360 बाई 18 इक्वल टू 20 मोल। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अभी करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट के बराबर होता है, जो यहाँ पे किस सब्सटेंस के लिए उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस के नंबर हो सकते हैं। जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है इसे हम एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि जो एक मोल है उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 20 मोल में कितने होंगे, 20 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि बराबर होता है 1.2044 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो भी करेक्ट है, यानी सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। सेकंड और फोर्थ हमें दिया है ऑप्शन फोर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर, ऑप्शन 1 ऑलवेज मेटल्स, ऑप्शन 2 ऑलवेज मेटलॉइड्स, ऑप्शन 3 आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड ऑप्शन 4 ऑलवेज नॉन मेटल्स। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और जो रूम टेम्परेचर पर मोस्टली मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, सिवाय मर्क्यूरी के, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो साधारणतया पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। कुछ नॉन मेटल्स तो गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और जबकि कुछ लिक्विड स्टेट में और कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं। जबकि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो एक संयोजकता वाला तत्व है वो क्या हमेशा सदैव धातु होगा, या हमेशा उपधातु होगा, या हमेशा अधातु होगा, या धातु या अधातु होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल है सोडियम, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये धातु है, लेकिन क्लोरीन है इसकी वैलेंसी भी 1 है तो ये एक अधातु है, नॉन मेटल्स है। तो हमेशा मेटल होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, और हमेशा नॉन मेटल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, और हमेशा मेटलॉइड्स हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है, यानी वो मेटल्स भी हो सकता है और नॉन मेटल्स भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा कार्य है जो वैक्यूल का नहीं है। ऑप्शन 1 स्टोरेज, ऑप्शन 2 प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ऑप्शन 3 वेस्ट एक्सक्रीशन एंड ऑप्शन 4 लोकोमोशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैक्यूल क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। जो वैक्यूल होता है वो कोशिका के भीतर का एक स्थान होता है जो कि एक झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध होता है एंड फिल्ड विद फ्लूइड और द्रव से भरा होता है। नेक्स्ट है स्पेशली जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें वैक्यूल साइटोप्लाज्मिक अंगों में होता है, और इसका फंक्शन उसमें होता है स्टोरेज, भंडारण का, इंजेक्शन अंतर्ग्रहण का, डाइजेशन पाचन का, एक्सक्रिएशन उत्सर्जन का एंड एक्सपल्शन ऑफ एक्सेस वाटर, और जो अतिरिक्त पानी है उसके निष्कासन का कार्य होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनल होती है। जब पानी एक कोशिका में प्रवेश करता है तो यह आकार में फैल जाता है और रिजिड भी हो जाता है। वैक्यूल है जो भोजन और अपशिष्ट का भी कंटेन करता है, मतलब उसे भी रखता है। तो हमारे यहाँ पे वैक्यूल का कार्य स्टोरेज का हो गया, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल हो गया, और वेस्ट एक्सक्रीशन का भी हो गया। तो जो लोकोमोशन है वो वैक्यूल का कार्य नहीं होता। लोकोमोशन का मतलब होता है किसी भी जो व्यक्ति या इकाई है उसके कार्य क्षमता का परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो ये वैक्यूल का कार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सपोज ए बॉय इज एंजॉयिंग ए राइड ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज ऑप्शन 1 एट रेस्ट, ऑप्शन 2 मूविंग विद नो एसिलरेशन, ऑप्शन 3 इन एसिलरेटेड मोशन एंड ऑप्शन 4 मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो मैरी गो राउंड का झूला होता है वो इस तरीके का होता है, जिसकी हमें एक नियत चाल दी गई है 10 मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस झूले में कोई लड़का सवारी कर रहा है, तो हमें बताना है कि वो विराम अवस्था में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, या त्वरित गति कर रहा है, या एक समान वेग से गमन कर रहा है।
तो ये जो मैरी गो राउंड का झूला है वो गोल गोल घूमता है, तो जो बॉय है वो एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, और चूंकि जो इसकी स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, तो जो लड़का है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसमें इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है और जो मोशन या गति की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। जो एसिलरेशन होता है या त्वरण होता है वो वेलोसिटी में चेंज होने की जो रेट है उसे दर्शाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से गमन कर रहा है तब भी उसमें क्या होता है, एसिलरेशन होता है, क्योंकि जो उसकी मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एसिलरेटेड मोशन में है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्शन 1 डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ ओनली, ऑप्शन 2 डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, ऑप्शन 3 डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, एंड ऑप्शन 4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमसे यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसमें जो जी होता है उसके बारे में पूछा है। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लो है ये न्यूटन ने दिया था, जिसके अनुसार जो प्रत्येक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और उस पर एक फोर्स लगाता है। जो इन दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है वो दोनों पार्टिकल्स के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों पार्टिकल के सेंटर से जो इनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है जी m1 m2 / r2। यहाँ पे जो जी होता है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, इसका मान पृथ्वी के मास से या इसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 4। नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ, ऑप्शन 1 पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, ऑप्शन 2 देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन 3 डिस्टरबेंस मूव्स, एंड ऑप्शन 4 बोथ पार्टिकल्स एज वेल एज डिस्टरबेंस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। तो हम जानते हैं कि जो साउंड है उसे ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं जब वो साउंड से टकराते हैं तो उनमें कंपन उत्पन्न होता है, और यही इन्हीं कंपनों के थ्रू जो साउंड है वो आगे ट्रेवल करता है। ये कंपन जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क इन्हें साउंड के रूप में पहचानता है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए आवश्यक क्या है, उसमें डिस्टरबेंस मूव्स होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है यू आर गिवन वाटर मस्टर्ड ऑयल ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। ऑप्शन 1 केरोसिन, ऑप्शन 2 वाटर, ऑप्शन 3 मस्टर्ड ऑयल, एंड ऑप्शन 4 ग्लिसरीन। तो हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो चारों आपको दिए गए हैं इसमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी। तो जो रिफ्रेक्शन होता है जब कोई रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है उसे ही हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन। तो जैसे ये कोई इंसिडेंट रे है जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यहाँ से प्रवेश कर रही है, तो इसे ही तो सीधा ऐसे इस वाली दिशा में गुजर जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज होता है वो या तो इस वाली दिशा से थोड़ा अंदर की तरफ झुक जाती है या थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाती है। ये डिपेंड करता है कि जो लाइट है वो किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करी है। यदि लाइट ज्यादा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो जो अपनी निश्चित दिशा है उसे थोड़ा दूर की तरफ हटेगी, लेकिन यदि लाइट विरल माध्यम से अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो थोड़ा अंदर की ओर झुक जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे जो हमसे पूछा है कि प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी, मतलब अंदर की तरफ सबसे ज्यादा उसमें झुकेगी जो सबसे ज्यादा सघन माध्यम होगा, तो केरोसिन वाटर मस्टर्ड ऑयल ग्लिसरीन, इसमें सबसे ज्यादा सघन माध्यम है ग्लिसरीन, ये सबसे ज्यादा डेंस मीडियम होगा इन सब में से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, ऑप्शन 1 वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, ऑप्शन 2 वर्क डन चार्ज, ऑप्शन 3 वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट, एंड ऑप्शन 4 वर्क डन चार्ज टाइम। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पे वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में, और जो डब्ल्यू होता है वो होता है वर्क डन जूल में, और जो क्यू होता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है कूलम्ब में।
जो क्यू होता है उसकी वैल्यू इक्वल होती है करंट इनटू टाइम। तो जहां पे हमें पता है कि v इक्वल टू है w अपॉन q और q की वैल्यू है करंट इनटू टाइम, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू w अपॉन करंट इनटू टाइम, यानी वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन वन। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर। ऑप्शन वन स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। ऑप्शन टू स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस मस्ट बी यूज्ड। ऑप्शन थ्री ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी यूज्ड एंड ऑप्शन फोर ए रेक्टेंगुलर वायर लूप हैज टू बी यूज्ड। तो इसमें हमसे पूछना चाह रहा है कि एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है। तो जो एसी जनरेटर होता है उसमें स्लिप रिंग्स यूज की जाती है, जबकि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें स्प्लिट रिंग्स यूज की जाती है। तो डीसी जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए जरूरी है कि स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन। जब एसी जनरेटर की स्लिप रिंग्स को स्प्लिट रिंग्स से चेंज कर दिया जाए और उसके बाद अब जो एसी जनरेटर है उसमें कॉनकेव मैग्नेट यूज की जाती है उसे बदल दें और अंत में जो कॉइल है उसे आर्मेचर से रिप्लेस कर दे, तो एसी जनरेटर अब डीसी जनरेटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। जो स्लिप रिंग्स होती हैं ये मूविंग रोटेटर और स्टेशनरी स्टेटर के मध्य संबंध बनाए रखती हैं, जबकि जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं ये करंट की जो डायरेक्शन है उन्हें चेंज कर सकती है। स्लिप रिंग्स का यूज एसी मशीन में किया जाता है, स्प्लिट रिंग्स का यूज डीसी मशीन में किया जाता है। जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो कंटिन्यूअस रिंग्स होती हैं, जबकि जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं वो दो और मोर पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती रहूंगी। फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पे जो अन्य सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैब की, जनरल साइंस की और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज उन वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।